वेलकम टुडे वाइब्स बाय रज़ा में आपका होस्ट मोहम्मद रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। आज हम आपको बुनियादी मरकज़ सेहत गोंदल का विज़िट कराते हैं। ये एक छोटा सा बुनियादी मरकज़ सेहत गोंदल है जहां पर लोगों को बहुत सी सहूलियात मुयसर है। यहां पर बच्चों को फांसी टीके और जनरल पेशेंट्स को भी दवाई दी जाती है नज़रा ज़ुकाम खांसी बुखार की, और इसके साथ खसूसी तौर पर औरतों की डिलीवरीज को का भी ख्याल रखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं, जहां पर औरतों को सियालकोट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इलाका की औरतें यहीं पर आकर अपनी जिंदगी का अमल मुकम्मल करवाती हैं। आइए अब हम आपको इस हॉस्पिटल का अंदर से भी विज़िट कराते हैं और आपको बताते हैं कि माशाल्लाह गवर्नमेंट ने ये बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल बनाया है। ये हॉस्पिटल का इस्तकबालिया काउंटर है जहां पर पेशेंट जब आता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन की जाती है, ब्लड प्रेशर और उसका टेम्परेचर, उसका वज़न, ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ये हॉस्पिटल का एमओ रूम है जहाँ पे पेशेंट को डॉक्टर साहब बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं। ये यूनियन कौंसिल गोंदल का पूरी यूनियन कौंसिल गोंदल का एक नक्शा है, मैप है। आप देख सकते हैं कि ये हॉस्पिटल कितने गांवों को रन करता है और इस गांव के ये आबादी है इन गांव की जो हमारे हॉस्पिटल को लगते हैं। ये हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी है जहां पर लोगों को मेडिसिन दी जाती हैं। पेशेंट दवाई ले के इस्तेफादा हासिल करते हैं इधर से। ये हॉस्पिटल का ये वैक्सीनेटर और एलएचवी का रूम है। इस रूम में औरतों को फांसी टीके लगाए जाते हैं, एंटीनेटल चेक किया जाता है, ये लोग के लिए मेडिसिन रखी गई है। जो वालदैन अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं वो इस चार्ट के हवाले से देख लें कि वज़न कितना होना चाहिए। इस हिसाब से अगर वो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं तो उनके बच्चे इंशाल्लाह सेहतमंद होंगे। ये हॉस्पिटल का लेबर रूम है जहाँ पर डिलीवरीज का काम बड़े अच्छे तरीके से किया जाता है। इस वक्त दरअसल पेशेंट मौजूद नहीं है डिलीवरी के लिए, तो हम इसकी मूवी बना सकते हैं। आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि बीएचयू गोंदल में बड़े अच्छे तरीके से काम हो रहा है। ये वो ड्रग्स हैं जो लाइफ सेविंग होती हैं जान बचाने के लिए, ताकि दौरान जिंदगी कोई मामला पेश आ जाए तो उसको संभाला जा सके। ये ईपीआई रूम है जहाँ पर बच्चों को फांसी टीके लगाए जाते हैं। ये हॉस्पिटल का वार्ड है जो दो बेड पर मुश्तमिल है, एक बेड ये रहा और दूसरा बेड ये है। ये हॉस्पिटल का वेटिंग एरिया है जहाँ पर मरीज आते हैं और इंतज़ार करते हैं अपना चेकअप कराने के लिए। ये हॉस्पिटल का स्टोर है, आए हम आपको इसका विज़िट कराते हैं। माशाल्लाह गवर्नमेंट ने लोग की सहूलियात के लिए बहुत सी मेडिसिन दे रखी हैं ताकि लोगों की सेहत का भरपूर अच्छे अंदाज से ख्याल रखा जा सके। काफ़ी मेडिसिन स्टोर में मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। मरीजों के पानी पीने के लिए जो अटेंडेंट आते हैं, पानी पीने के लिए खसूसी इंतज़ाम किया गया है ताकि लोग ठंडा पानी पी सकें। लोगों को ऐसी बीमारियों से ज़रूर बचना चाहिए। पोलियो एक ऐसा मर्ज़ है जो अगर किसी बच्चे को लाहक हो जाए तो तमाम उम्र साथ नहीं छोड़ता, इससे ज़रूर बचना चाहिए। अगर हम अच्छे तरीके से सुबह एक्सरसाइज करें
तो आप देख सकते हैं कि हमें कितने ज़्यादा फ़वाद मिल सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको अच्छे पॉइंट पे मिलेंगे, और आपको गवर्नमेंट की जो अच्छी अच्छी जगह हैं तो उनको ज़रूर दिखाएंगे, जिससे लोग इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल को बनाया गया है।